अपना था तो माने मन्नत मांगी थी कि अच्छे से रहेगा तो फिर यहाँ पे आके मन्नत करेगा। छोटा शहर और बड़ा शहर नहीं होगा, छोटी सोच और बड़ी सोच होगी। इंसान हमेशा सीखते रह सकते हैं, हमें साथ में आके काम करना है, एक दूसरे के अगेंस्ट काम नहीं करना। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बॉलीवुड में ड्रग्स के सेवन को लेकर नई बहस छिड़ी हुई है। इस मामले में बाल की खाल निकालने का काम किया दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष मंजिंदर सिंह सिरसा ने। सिरसा ने एनसीबी के सामने पिछले साल के एक वीडियो को लेकर कंप्लेन फाइल की जिसमें करण जौहर के घर हुई पार्टी में कई सितारे नजर आते हैं। सिरसा का दावा है कि इस पार्टी में ड्रग्स का सेवन हुआ था, लिहाजा उसकी जाँच होनी चाहिए। अब इस मामले को प्रमुखता से उठाने के लिए सिरसा को धमकी भरा कॉल आया है। पाकिस्तान से आए कॉल का स्क्रीनशॉट सिरसा ने ट्विटर पर शेयर किया। कॉल करने वाले ने कहा कि भाई ने बोला है बॉलीवुड वाला मसला बंद करो। सिरसा ने पूछा कौन भाई, तो जवाब आया तुम भाई को नहीं जानते, भाई को पूरा देश जानता है, ये पंगा लेना बंद करो वरना सबको निपटा दे। सिरसा ने जब आगे पूछा कि भाई है कौन, तो जवाब आया कि चुपचाप ये बॉलीवुड वाला नौटंकी बंद करो, केस वापस लो वरना ठोक दे। इसके बाद एक बार पूछा गया ये भाई है कौन, तो धमकी आई कि क्यों मरना चाहते हो, जब गोली लगेगी तो तेरे परिवार वालों को पता चल जाएगा कि भाई है कौन। हालांकि सिरसा ने दिल्ली पुलिस और डीसीपी वेस्ट को मामले की सूचना दी है और उन्हें धमकी भरे कॉल की जाँच करने के लिए गुजारिश भी की है। अभी मुझे पाकिस्तान से एक फोन आया, फ़ोन करने वाले ने अपना नाम मोहम्मद वसीम बताया और मुझे ये धमकी दी कि भाई ने कहा है कि जो करण जौहर बॉलीवुड वाला केस है इसको मैं वापस लूं। मैंने कहा भाई ये भाई कौन है, मुझे कह रहा है कि तुम भाई को नहीं जानते, पूरा देश भाई को जानता है और इस तुरंत इस केस को दो दिन में वापस ले और ये नौटंकी बंद कर नहीं तो तेरे को ठोकेंगे। मैंने कहा यार बता तो दे भाई है कौन, मुझे कह रहा क्यों मरना चाहता है, क्यों मरना चाहता है, केस वापस ले। मैं कह रहा हूँ भाई जी ने कहा है केस को वापस ले। मैंने कहा भाई बता भाई है क्या है ये भाई, और मुझे धमकियां दे रहा है कि तेरे को और तेरे परिवार को मारेंगे, तुझे पता चल जाएगा भाई कौन है, तुझे क्या तुझे तेरे जब तेरे को गोली लगेगी तो तेरे परिवार को पता चल जाएगा भाई कौन है। मैंने ये शिकायत पंजाबी बाग के SHO को दे रहा हूँ, DCP वेस्ट को दे रहा हूँ। मैं चाहता हूँ दिल्ली पुलिस इसको जल्दी इन्वेस्टिगेट करे और जानकारी ले। ऐसी हल्की बातें करके हमें जो डराना चाहता है, हम डरने वाले नहीं। मैं ये चाहता हूं कि इसका सच्चाई सामने आए कौन इसके पीछे है और मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं जो ये भाई नाम अपना फोन कर रहा है, मेरे भाई हम तेरे से डरते नहीं, और जो मुझे डराना चाहते हैं मैं उनको भी कहना चाहता हूं तुमने बड़े गलत आदमी को धमकी दिलवाई है, तुम्हें बड़ी गलत फहमी है कि मैं तुम्हारी धमकियों से डर जाऊंगा। ये सिद्धांत की लड़ाई है और इस लड़ाई को मैं लड़ूंगा, लेकिन इस धमकी का एक मुझे जरूर आज फायदा हुआ, मैं इसको और शिद्दत से लड़ूंगा, और शिद्दत से लड़ूंगा और इतनी शिद्दत से लड़ूंगा कि जो लोग मुझे धमकियां दे रहे हैं, मुझे डरा रहे हैं, मुझे मारने की धमकियां दे रहे हैं, उनको ये गलती जिंदगी भर याद रहेगी कि उन्होंने मेरे साथ ये गलती की, जो मुझे डराने और धमकाने की कोशिश की उनको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। और वो भाई को मैं कहना चाहता हूं तेरे जैसे भाई दरवाजों के बाहर खड़े हैं, तेरे जैसे भाई गलियों के बाहर भीख मांगते हैं, तेरे जैसे भाई से हम डरते नहीं, जो भी तू भाई है अपने घर भाई होगा, तू हमें डरा और धमका नहीं सकता।